हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मस्टर्ड फिश करी। इसको ओडिया में माछो बेसरो बोलते हैं और बंगाली में सोरसे माछ बोलते हैं। ये रेसिपी आप कोई भी फिश के साथ बना सकते हैं। मैंने आज बांगड़ा फिश के साथ बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और आप गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। मैंने 4 बांगड़ा फिश लिया है। फर्स्ट मैरिनेशन में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड की है और एक आधा नींबू का जूस ऐड किया है। इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी। अब मैं इस मैरिनेशन में थोड़ी सी सरसों का तेल डालूंगी। इससे क्या होगा ना, बांगड़ा फिश का जो स्मेल है वो चली जाएगी। अब मैं इस मैरिनेशन को 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। बेसरो या मस्टर्ड पेस्ट बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून ब्लैक मस्टर्ड और 1 टेबलस्पून येलो या वाइट मस्टर्ड लिया है। इसका मैं एक स्मूथ पेस्ट बना दूंगी। इसको आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं करी में, लेकिन मैं इसको स्ट्रेन करके इसका जूस निकाल दूंगी और इसका जो सीड्स है वो रिमूव कर दूंगी। इससे क्या होगा ना, हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो ठीक रहेगा और एसिडिटी नहीं होगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और थोड़ा स्ट्रेन कर दूंगी। अब मैं अनियन गार्लिक का पेस्ट बनाऊंगी। मैंने 1 बड़ा चॉप्ड अनियन लिया है, 2 ग्रीन चिलीज लिए हैं और 15 गार्लिक पॉड्स लिया है। इसका स्मूथ पेस्ट बना दूंगी। मैंने 1 टोमेटो का प्यूरी बना दिया है। 1 आलू को ऐसे कट कर दीजिएगा। अब हम 2 या 3 टेबलस्पून सरसों का तेल लेंगे। जब उसमें से धुआं निकलेगा तब हम मैरिनेटेड फिश को फ्राई करेंगे। ध्यान से फ्राई कीजिएगा। फिश फ्राई हो चुकी है, इसको निकाल देंगे। अब हम उसी तेल में आलू को भी फ्राई कर देंगे। आलू हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसको भी हम निकाल देंगे। सेम तेल में मैं 1/2 टीस्पून काला जीरा या कलौंजी डालूंगी और उसको आधे मिनट के लिए सॉटे कर दूंगी। अब हम इसमें अनियन का पेस्ट डालेंगे और उसको भूनेंगे जब तक कि उसका रॉ स्मेल चला ना जाए। हम लो फ्लेम में इसको भूनेंगे। इसमें मैं 1 चुटकी हल्दी और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी और उसको सॉटे कर दूंगी। मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। टमाटो का जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें सरसों का पेस्ट डालेंगे।
इसको हम बस एक मिनट के लिए सॉटे करेंगे, नहीं तो वो कड़वा हो जाएगा। अब हम इसमें फ्राइड पोटैटोस डालेंगे और इसको अच्छे से सॉटे कर देंगे एक मिनट के लिए। अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डालूंगी और इसको अच्छे से पका दूंगी। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने से इसका जो टेस्ट है ना वो और ज़्यादा अच्छी आती है। इसको मैं कवर करके 5 मिनट तक पका दूंगी। आलू अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें फ्राइड फिश डालेंगे। मैंने 4 फिश लिया है, इसके लिए मैं 4 ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए पका देंगे। करी हमारी ऑलमोस्ट बन गई है, बस इसमें थोड़ा सा और खटास के लिए मैं 2 सूखे हुए आम डालूंगी, जिसको हम उड़िया में आंबुलो बोलते हैं, और 2 मिनट के लिए कवर करके फिर से पका दूंगी। करी हमारी पूरी तरह से बन गई है। अब लास्ट में मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता ऐड करूंगी और गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। गर्मा गर्म माछो बेसरो या मस्टर्ड फिश करी को सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए स्टीम राइस के साथ। एंजॉय कीजिए अपना सिंपल और टेस्टी लंच। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा, फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ।